दक्षिणायन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच लगातार आप देख सकते हैं कि जो खेल राजनीतिक रूप से गहराता चला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बड़े जो है आप कह सकते हैं कि राजनीतिक जो है बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल ये तमाम बातें इसलिए भी मैं आज कर रहा हूँ क्योंकि संजय सिंह का नाम आपने सुना होगा, राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के, और जिस कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के खिलाफ वो सवाल पूछते हैं और जिस तरीके से उनको लताड़ते नजर आते हैं, दरअसल उन्हीं से जुड़ी हुई एक तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है। आपको बताएं कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जब सदन के भीतर जा रहे थे, उस समय जो आप कह सकते हैं संजय सिंह खड़े थे वहां पर उनके अभिवादन के लिए, लेकिन उसी समय उन्होंने उनका हाथ पकड़कर अपने साथ चलने को कहा। और साथ ही उन्होंने जो बातें कही वो बात ये थी कि इतना गुस्सा मत किया कीजिए। ये शब्द उनके द्वारा इसलिए भी इस्तेमाल किया गया क्योंकि राज्यसभा के सभापति हैं वो, और उन्हीं के सामने संजय सिंह अपनी तमाम बातों को रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो तमाम एक्टिविटी जानते हैं, समझते हैं। इस वजह से उन्होंने मजाकिया तौर पर ये सारी बातें कह दी। तो आप उस वीडियो को भी आप देखिए, समझिए कि राजनीति में आखिर जो किस तरीके के बदलाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही इस तस्वीर के बाद ये माना जा रहा है कि क्या वाकई ये किसी बड़े जो है परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। पहले आप उस वीडियो को देखिए जो जगदीप धनखड़ और संजय सिंह के बीच जो है एक आप कह सकते हैं कि आने के बाद से लगातार जो है वायरल हो रही है। तो आपने देखा जिस तरीके से इस तस्वीर में दोनों नजर आ रहे हैं, हालांकि जब संजय सिंह का हाथ पकड़ा गया जगदीप धनखड़ के द्वारा तो वो अचंभे रह गए, वो चौंक गए कि उन्होंने उनका हाथ इस तरीके से क्यों पकड़ा और फिर उन्हें जो है अपने साथ चलने को भी कहा। तो ये इस तरीके की जो है राजनीतिक तस्वीरें लगातार हम देखने को जो है मिल ही जाते हैं, लेकिन अब ये समझना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो राजनीतिक संघर्ष चल रहा है उस पर क्या वाकई कोई विराम लगने वाला है, ये लड़ाई जो है और भी ज़्यादा गंभीर रूप जो है वो इख्तियार कर सकती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ को। धन्यवाद।